क्योंकि दिल्ली की एक बेटी के साथ एक चलती बस में छह लोगों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। सामूहिक बलात्कार की इस वारदात को हमारा देश निर्भया रेप केस के नाम से जानता है। क्या माल है यार। बीते 7 साल तब इंसाफ मिले, एक ही सवाल, ये समाज क्यों है इतना धीमे। जिन्होंने काम बड़े छोटी सी गली में, ये जीते जाते राक्षस दया नहीं है इनके दिल में। देर रात को अकेली लड़की पीछे देते चल, सुबह न्यूज में मिलेगी पहुंचने से पहले घर। पर डरने की बात नहीं, वो कुछ नहीं बोलेगी, इज्जत के बारे में सोचेगी कुछ भी बोलने से पहले। तेरे घर में भी माँ और बहन है, नजर डाले तभी भी शर्म हल्की ना है। थोड़ी पाल ले, कोई बोलता खिलाफ में तो फेंकते तेजाब, ये एक नहीं दो नहीं लगे लाखों की कतार में। वो नारी है वो सौ पे भारी है, काली माँ और दुर्गा माता जिसमें विराजती। वो नारी है वो सौ पे भारी है, आता रेवोल्यूशन जब भी वो आवाज उठाती। वो नारी है वो सौ पे भारी है, काली माँ और दुर्गा माता जिसमें विराजती। वो नारी है खुशियाँ हराम करके साले रहते खुश, बाप की जेब से खर्चे सारे नशे में रहते दूर। एक बाप बेटे को गुनाह से बचा रहा है, एक बाप कहे इज्जत का क्या होगा बेटी। तू बराना चुप, तू मुंह खोलेगी तो इज्जत उछल जाएगी, तू कुछ बोली समाज में मुंह क्या दिखाएगी। अपने देते साथ लेकिन साथ छोड़ा अपनों नहीं, अगर कराते रहे चुप वो जीते जीते मर जाएगी। आवाज दबाना नहीं ये उठाने का वक्त है, नरमी से पेश नहीं वक्त है सख्ती से बताने का। पिघल गई मोमबत्तियां अब हथियार की बारी है, वरना एक और केस 7 साल बिता देगा। वो नारी है वो सौ पे भारी है, काली माँ और दुर्गा माता जिसमें विराजती। वो नारी है वो सौ पे भारी है, आता रेवोल्यूशन जब भी वो आवाज। वो नारी है वो सौ पे भारी है, काली माँ और दुर्गा माता जिसमें विराजती। वो नारी है वो सौ पे भारी है, आता रेवोल्यूशन जब भी वो आवाज उठाती।